अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नादियास किचन एंड व्लॉग्स इन यूएसए। आप लोगों को आज शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा दिन यहाँ पर सबको बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से। दुआ में याद रखिएगा, कोई गलती भूल हो तो हमारे को माफ फरमाएगा। यहाँ पर हमने बनाए हैं अंडे में सूप की मिठाई, या आप बोल सकते हैं अंडे की मिठाई। यह रेसिपी आप देखने के लिए हमारे साथ पूरी वीडियो में एंड तक रहिएगा। आज हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे अंडे की मैसूप, जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अंडे की मिठाई है। तो हमारे पास यहाँ 6 अंडे हैं, तो हम सब इसको तोड़ लेंगे, पर हमारे को जर्दी को अलग निकाल लेंगे। ये जर्दी को इस तरह से अलग निकालते जाएंगे। बस जल्दी नहीं, जल्दी अलग और सफेदी अलग। सब अंडों को इसी तरीके से हम जल्दी अलग और सफेदी अलग कर लेंगे। देख रहे हैं हमने जल्दी अलग निकाली, सफेदी अलग निकाल ली। अब इसको हम मशीन से भी मिक्स कर सकते हैं, पर हम मशीन से वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम हाथ से करेंगे। तो हमें बहुत अच्छे से करना है ताकि इसकी जो लम्स वगैरह है ज़रा भी बिल्कुल कम से 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखना बिल्कुल ऐसे ही हमने जल्दी को भी कर लिया। अब हम दोनों को एक साथ डाल देंगे। दोनों को मिक्स करना है ताकि दोनों एक हो जाए, अंडे की तरह भी उसी तरह। ओके, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे हम। ये ऑलमोस्ट हुए 2 कप अंडे की सफेदी और जर्दी। तो अब हम इसको डाल देंगे हमारी हमारे को चीनी डाली है 2 कप। डालेंगे इसमें, और हमारे पर यहाँ पर असली घी है, इसको भी हम डालेंगे 2 कप। ठीक है, हमें थोड़ा सा और चाहिए होगा तो हम और डालेंगे। सब का मेजरमेंट आपको सेम ही रखना है, चीनी का भी, अंडों का भी और घी का भी। अब इसको डाल देंगे, इसको मशीन से मिला लेंगे नहीं क्या। बस आपको ख्याल रखना है सिर्फ अंडों का, सर्दी और सफेदी को आपको अलग से इसको निकाल के इसको मिक्स करना है। अब इसको हम रख देंगे चूल्हे पे, उसको बहुत ख्याल से हमें भूनना है कि हमारा हलवा नीचे से जले नहीं। अब इसको हम रखेंगे चूल्हे पर, अब खोल देंगे चूल्हा। पहले हम रखेंगे फुल, फिर इसको हम बिल्कुल लो आंच पे इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 इलायची। फुली रखना है, फिर इसके बाद हम इसको मीडियम से बिल्कुल लो कर देंगे।
आप लोग देख रहे हैं अच्छा से भुन रहा है, हल्का हल्का कलर आ रहा है और ऊपर से घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट और ऐसे बक्से में भुनेंगे ताकि हल्का सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप लोग देखें यहाँ पर अच्छा सा बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है। इसको हम बंद कर देंगे, इसके अंदर हम ये हमारे पास खोपड़ा है हमारा, ये डाल देंगे। हमारे बादाम पिस्ते अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम थाले में डाल देंगे। इसको हम टुकड़े कर लेंगे इसके, फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं होगा, गरम गरम में आप इसको काट सकते हैं। आप इतने अच्छे इसके पीसेस हो गए। अभी ठंडा होगा तो इसके बाद आप इसको प्लेट में सर्व करेंगे, हम आपको दिखाएंगे प्रेजेंटेशन के साथ कि इसके पीसेस कैसे होते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे अंडे मैसूब की मिठाई तैयार है। आप सिर्फ अंडे की मिठाई भी बोल सकते हैं, अंडे मैसूब की मिठाई जो आपकी मर्जी हो, बिल्कुल तैयार है। हमने प्रेजेंटेशन कर दी, सिर्फ इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा खोपड़ा और ऊपर हमारे पिस्ते। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दें कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोगों को क्या देखना है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस यही है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।